हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं गई थी मार्केट, तो वहां से लेके आई हूँ आज फ्रूट ढेर सारे। तो नवरात्र भी हो गई है, तो अब तो फ्रूट्स काफी अच्छे रेट में, सही रेट में मिल जा रहे हैं मार्केट में। और जब नवरात्र थे ना, तो 100 रुपीज दर्जन केले थे, और अब रेट ठीक है। और अब तो 50 रुपीज अंगूर है, पपीता भी बहुत सस्ता है, 30 रुपीज लेके आई मैं। और तरबूज खरबूज सब 20 रुपीज मिल रहे थे, तो मैंने ले लिए सारे। तो फ्रेंड्स चलिए हम इन्हीं से ही कुछ बनाते। पहले आप लोगों को फ्रूट्स दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। मार्केट में आ चुके हैं, तो गर्मियों के फ्रूट्स सारे लेके आई हूँ, तो इनसे ही कुछ बनाते हैं। चलिए कि चलते हैं हमारी किचन में आप लोगों के साथ। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। चलिए। और फ्रेंड्स मैंने आपको दिखाया नहीं ना, मैंने न्यू कर्टन लगाए थे, ये देखिए कैसे लग रहे मेरे पर्दे। और आप बताइएगा पीछे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए ये देखिए। और किचन में भी मेरे नए पर्दे लगे हुए हैं, और इधर भी लगे हुए हैं नए पर्दे, ये देखिए कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स। तो मैंने पूरे घर में नए पर्दे लगा दिए हैं देखिए। और ये किचन का पर्दा यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है आपको, से दिखा रही हूँ। ये देखिए यह है किचन का पर्दा, ये वाला कलर है, सेम कलर है, पर इसमें नेट का है और फैब्रिक इसका, और इसमें रेड कलर के फ्लावर बने हुए हैं। और जो ये पर्दे हैं ये मैंने खुद ही सिले, कंप्लीट आज ही हुआ है, इतने दिन से हुआ नहीं था, एक पर्दा रुका हुआ था, तो कंप्लीट हो गए हैं सारे पर्दे। देखिए कैसे लग रहे हैं, इस बार मैंने ना खुद ही सिल के लगाए हैं पर्दे। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, और चलते हैं हम अपनी किचन में, हिमानी स्मार्ट किचन। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, ये देखिए ढेर सारे चीकू आए ना, तो इन्हीं से आज कुछ बनाते हैं एक एक करके, आपके साथ मैं शेयर भी करूंगी एक एक रेसिपी, और आप भी बनाइए और अपने बच्चों को चीकू सेक पिलाइए। बना रही हूँ बच्चों के लिए ना चीकू जूस बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने उसके लिए ना ये चीकू लिए हैं, ढेर सारे चीकू आए हैं घर पे, ठीक है। और इनको ये ले लेते हैं हम, 3 चीकू मीडियम साइज के, ठीक है। तो 3 चीकू ले लिए, इनको मैं धो लेती हूँ पहले, फिर आपको आगे की रेसिपी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने चीकू छील के धो के छील लिए हैं, और इनको अब छोटे छोटे पीस करके इनके बीज निकाल देंगे, और ब्लाइंडर में इनको छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे। देखिए बीज मैं अलग कर रही हूँ इनके, तो ताकि मिक्सी ख़राब ना हो इसलिए इसके बीज अलग कर दीजिए, और तीनों पीसों को काट के डाल दीजिए इसमें चीकू को। और मैंने पानी लिया है, शुगर ली है, और लिया है मैंने एक नींबू, नींबू आधा चाहिए, 1 चम्मच रस चाहिए हमको नींबू का। तो मैंने चीकू को काट लिए छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में, और उसमें डाल के ब्लेंडर में, और अब डाल रही हूँ शुगर। आप अपने हिसाब से, बच्चों के हिसाब से मीठा डालिएगा, बच्चों को मीठा पसंद है मेरे, तो मैंने 3 चम्मच ली है शुगर, और डाला है लेमन जूस 1 चम्मच, काटा है छोटा सा पीस मैंने, और उसको काट के उसका जूस उसमें डाल दिया है। फिर इसको हम पानी डाल के ना थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ताकि पानी ना धीरे धीरे करके डालेंगे, एकदम ही सारा पानी नहीं डालेंगे, 1 गिलास पानी डालना है हमने 3 चुक्कू में, तो उसके लिए। और ये देखिए बनके तैयार हो गया है, और इसको फिर हम पानी डालेंगे दूसरी बार में, और फिर चलाएंगे, और फिर तीसरी बार में फिर सारा पानी डाल देंगे हम। अब और इस चला के देखिए सिर्फ 5 मिनट लगते हैं चीकू शेक बनाने में हमें, और ये हमारा चीकू शेक बनके तैयार हो गया है। चलिए इसे हम सर्व करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ग्लास में डाल के कितना सुंदर लग रहा है,
और ये हमारा चीकू सेक तैयार हो गया है। और मैंने साथ में ना दो चीकू काट के रख दिए ताकि दिखने में सुंदर लगे। तो आइए फ्रेंड्स पी के देखिए कैसा बना हुआ है चीकू सेक। चीकू में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ग्लूकोज भी पाया जाता है और ये हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो जरूर पीजिए, पिलाइए। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा चीकू सेक? बच्चों को तो बहुत पसंद आया, मैंने पिला दिया उनको। आप लोग भी बनाइए अपने बच्चों के लिए और पिलाइए। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।